ओके सो टूडे वी विल डिस्कस माई टॉसिस एंड जो हमारे पास uh, थोड़ा साइकिल को पहले मैं आप बता दू बेसिकलीसिकली क्या होता है, वो, वो है जिसमे एक सेल जो है वो ग्रो करता so है एंड देन आपके पास डिवाइड करता है सो सेल साइकिल अगर देखें तो इसमें तीन मेजर फेजेस फोर मेजर फोर फेजेज है नंबर वन इज जी वन फेज है एंड देन आपके पास एस फेज है और आपके पास जी टू फेज है इनको हम कहते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड सेकंड वन हमारे पास एम फेज है ठीक है तो अगर हम सेल साइकिल को डिवाइड करें तो दो मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं एक इंटरफेस है

In which one cell divided into two daughter cells with the same number of chromosomes, जिसमे होता है कि एक cell divide होता है दो daughter cells में humans में अगर देखें तो humans में एक cell जो है उसमें तो कितने chromosomes होते हैं फोर्टी सिक्स और जब वो डिवाइड होगा तो आगे दो उसमें सेल्स बनेंगे एंड दोनों में आगे आपके पास कितने बनेंगे 46 सिक्स क्रोमोसोम ही बनेंगे ठीक है Uh, रहेंगे सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड माइटोसिस जिसमें एक सेल डिवाइड होता है इनटू 2 ठीक है माइटोसिस का अगर हम देखें कैसे ये डिवाइड होते हैं इसमें हम इसको देखें तो देयर आर टू मेजर फेजेस एक है डिवीजन ऑफ सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड देन सेकंड वन होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस ठीक है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं एंड देन आपके पास

स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है ठीक है सेकंड नंबर पास इसमें क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स ये हमने कहा ना कि एक जो हमारे पास लाइन होती हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं, सेंट्रियोल हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना सेंट्रियोल जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बनते हैं होता ये है कि आपके पास एक एंड पे भी आपके पास जो

न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है एंड थर्ड वन इसमें क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ठीक है और वो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो हैं वो ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं सो दिस इज प्रो फेज के बाद नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है दैट इज मेटा फेज मेटा फेज में क्या होता है कि अब जो है वो फर्स्ट uh, फेज में देखें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अपने बन गए थे इसमें ये होता है आपके पास देर इज ए प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम के सेंटर uh, में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं तो वो हो के आपके पास जो स्पिडल होकर आपके पास जो क्रोमोसोम वो सेंटर में अरेंज कर देते हैं अपने आप को बिल्कुल ऑफ न्यूक्लियस और वो एक प्लेटफॉर्म बनती है हम कहते हैं तो कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और कुछ जो है वो उसके साथ अटैच नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन काइनेटो कोर स्पिंडल फाइबर ठीक है तो मेटाफेज में क्या होता है मेटाफेज फेज बनती है देन उसके बाद हमारे पास है एनाफेज है एनाफेज में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड साइड पे पुल हो जाते हैं मीन स्पिंडल फाइबर्स उनको अपोजिट साइड पे पुल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं सो दिस इज एनाफेज एंड देन आपके पास फेज है फेज इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज जो कुछ प्रोफेज में हुआ था वो सारा कुछ यहां पे रिवर्स हो जाता है मींस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो जाती है और स्पिंडल uh, फाइबर्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं

वो एक डिस्क बना देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेगमो प्लास्ट देन वो फ्रेगमो ग्लो ग्लो ग्रो करती है एंड वो फ्यूज करके बाकी सारा कुछ वो अपने साथ अरेंज कर है ठीक है अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास देखेज में, में क्या होता है देखे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं मीन क्रोमेटन क्रोमोसोम है, बनते हैं और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं ठीक है ये देखे आपके पास ये ये आपके पास बन गए क्रोमेटन uh, है और ये यह यहाँ पे देखें प्रोफेज में क्या हो गया क्रोमेटन कंडेंस उन्होंने क्या बना दिया क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो ठीक है ये होता है इसके अलावा ये देखें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी हो जाती है और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं तो दीज आर स्टेप जो कि दूर प्रोफेज में होते हैं ठीक है थीके? अब अगर ये क्रोमोसोम को देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैनेटोर प्रोटीन और सेंटर पॉइंट को सेंट्रोमेयर कहते हैं ठीक है थीके?

ये भी इनको और, और कुछ अटैच नहीं ठीक ये ये हाँ है तो मेटाफेज में ये प्लेट बन जाती है उसके बाद एनाफेज एनाफेज में ये दोनों ऑपोजिट आप, साइड पे पुल हो जाते हैं ठीक है थीके? ये यहां पे पुल हो जाता है ये यहां पे पुल कर देते हैं ठीक है सो दिस इज एना द रिवर्स ऑफ प्रोफेज के आपके पास जो क्रोमोसोम बने थे वो दोबारा आपके पास क्रोमेटिन की फॉर्म में चले जाते हैं ठीक है और वो आपके पास क्या हो जाता है और स्पिंडल फाइबर हो जाते हैं और एक एक न्यूक्लियस जो है वो कितने में डिवाइड हो जाता है टू में डिवाइड हो जाता है सो दिस इज इजोफेज यहाँ तक आपके पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम में ठीक है एनिमल में देखें तो एनिमल में जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे क्लीवेज बनती है ठीक है ऐसे क्लीवेज बनता है और वो आपके पास ऐसे पिंच हो के आपस में क्या हो जाते हैं दो सेपरेट हो जाते हैं so, सो दिस इज साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इन एनिमल प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट में ये होता है कि जो गोल्जी वेसिकल्स है वो अपने आप को सेंटर में ऐसे आपके पास अरेंज करते हैं और फिर देखें अरेंज करके पूरी प्लेट बना देते हैं इसको हम कहते हैं दिस इज फ्रेग्मोप्लास्ट

उसके बाद मैं ये सिग्निफिकेंस आपने देख लेने हैं ये इजी सेकंड इसमें आ जाता है वो हमारे पास आ जाता uh, जाता है, so, है, है वहां पे माइटोसिस होगी और जो ह्यूमन सेक्स सेल्स है मीन के गेमेट्स और एग्ज है पे हमारे पास क्या होगा मियोसिस होगा मियोसिस क्या होता है मियोसिस बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फिवी या वन सेल डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ठीक है माइटोसिस में क्या आता है एक सेल डिवाइड हुआ था टू में विद द कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे क्या होगा एक सेल डिवाइड होगा इनटू फोर में विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है तो जो आपके पास स्टेप्स uh, है वो ऑलमोस्ट सेम है ठीक है वही हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि uh, इसमें दो चीजें आ जाती हैं एक मियोसिस वन आ जाता है और एक मियोसिस टू आ जाता है ठीक है मियोसिस वन में सबसे पहले हमारे पास केरियो का एनेस होता है और साइडो का एनेस होता है उसी तरह ठीक है हम देखें तो ऑफ ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में भी वही चार फेज होते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज इसमें प्रोफेज वन होगा मेटाफेज होगा 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 ठीक है प्रोफेज हमारे पास माइटोसिस में था और यहाँ में प्रोफेज वन में थोड़ा सा डिफरेंस है वो चीज आपने देखनी है एक तो वही तो है यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये होती है कि जो वो करते हैं और वो आपस में एक दूसरे के सेगमेंट चेंज करते हैं उस सेगमेंट चेंज करने को हम कहते हैं देट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर ठीक है अब होता यह है कि जो क्रोमोसोम आपस में जिस प्रोसेस के थ्रू सेगमेंट चेंज करते हैं उनको हम कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं और वो जो आपके पास पेयर होता है उसको हम कहते हैं बाई वेलेंट बाई मीन टू और इसमें हमारे पास दो होते हैं तो इसमें हम टू दो क्रोमोसोम हमारे पास दो पेयर होते हैं तो इसलिए हम इस एयर पेयर में जो होते हैं वो आपके पास दो होमोलोग क्रोमोसोम होते हैं तो इसलिए जो हमारे पास दो स्ट्रैंड क्रोमेटेड होते हैं तो इसलिए हम इसको बाई कहते हैं ठीक है और नहीं इसमें फोर क्रोमेटेड होते हैं तो इस लिहाज से हम इसे

पेर दो आ जाते हैं और दिस सेकंड पेर, अच्छा, ये, है, ये पॉइंट जहां पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दिस इस इसे हम क्या कहते हैं ठीक है और यहाँ पे देखे और इसमें ये एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं सेगमेंट चेंज कर दिया ठीक है ये देखे

अब हर पेयर में देखें तो इस पेयर में हम देखें तो कितने क्रोमोसोम है दो पेयर है तो इस लिहाज से हम इसे कहते हैं बायेंट लेकिन इसमें अगर क्रोमेटेड देखें तो चार क्रोमेटेड है देखें वन टू इसमें और वन टू इसमें चार क्रोमेटेड तो है तो इस लिहाज से हम इसे कहते हैं टेट्रेट ठीक है दिस इज बाकी चीजें वही सेम है कि आपके पास क्रोमेटिन बनता है स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और वही चीजें होती है ठीक है

तो मियोसिस वन में एक से डिवाइड हो जाता है कितने में टू में यहां से आगे मियोसिस टू स्टार्ट हो जाती है ठीक है मियोसिस टू में आपके पास

तो वही सेम जो कुछ माइटोसिस में हुआ था वही सारा कुछ यहाँ पे आपके पास मियोसिस में भी होगा देन उसके बाद आपके पास आ, एक जो पहले दो एक से मियोसिस वन में एक से दो में डिवाइड हुए थे वही टू आगे फोर में डिवाइड हो जाएंगे ठीक है तो ये आपको जो है वो प्रोफेस के मेटोफेस मियो, मियोसिस टू के बारे में बताया हुआ है के प्रोफेस वन में देखें वही स्पिंडल फाइबर बनते हैं और वो क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर तो पहले हो चुकी है मेटाफेज टू में भी आपके पास वो प्लेट बनती है और फिर में ऑपोजिट पुल हो जाते हैं और आपके पास टू में आपके पास ये यहाँ पे भी दो बन जाते हैं यहाँ पे भी दो बन जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास क्या होते हैं हाफ होते हैं तो यहाँ तक आपके पास मियोसिस जो वो है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है जिसमें आपके पास एक सेल, आपके पास एक, एक सेल सेल आपके आपके पास पास ना ना डिवाइड हुआ है फोर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स ठीक है फोर इसमें डॉटर सेल्स होंगे ठीक है सो यहाँ तक मियोसिस वन और मियोसिस टू म्यूसिस हो गया है ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम बताई हुई है सारी ठीक है So, uh, इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे फिर पूछ सकता है